Please like, share, subscribe my channel and watch the video till end. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि मॉस्किटो रैकेट क्या होता है। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा मॉस्किटो रैकेट क्या होता है, जो हम लोग जनरली अपने घरों में यूज करते हैं मच्छर को मारने के लिए। मॉस्किटो रैकेट, उसकी मैं आज बात करूंगा, क्या वो हमारे लिए फायदेमंद है और कैसा उसका फायदा है, क्या उसका नुकसान है, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। और इसका और आपको और डिटेल में जानना है तो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो को प्लीज देखिएगा। इसके बाद मैं उसको नेक्स्ट वीडियो को बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि वो मॉस्किटो रैकेट का इंटरनल सर्किट डायग्राम क्या होता है, कैसे काम करता है, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बट आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि हम मॉस्किटो रैकेट क्या होता है, उस कैसे फंक्शन करता है, उससे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास में ये एक मॉस्किटो रैकेट है, ये मॉस्किटो रैकेट है। मॉस्किटो रैकेट की बनावट कैसी होती है। मॉस्किटो रैकेट में ये पोर्शन एक जनरल पोर्शन है, जहां पे आपको एक दो मैश दिखाई देते हैं, वायर के दो मैश दिखाई देते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक निगेटिव प्लेट होती है। इसमें थ्री वायर्स होते हैं, एक अंदर होता है, एक इस साइड होता है और एक बैक साइड में होता है। तो थ्री लेयर्स का होता है ये, तो थ्री लेयर्स का होता है। तो इसमें जो अंदर वाला लेयर होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो बाहर वाला लेयर होता है वो निगेटिव के लिए निगेटिव चार्ज होता है। तो जब मॉस्किटो उड़ करके आता है और इसमें फंस जाता है, इसीलिए फंसने के लिए क्या किया हुआ है इसमें, देखिए जो बाहर वाला जो चेन होता है, जो बना हुआ है मैश बना हुआ है, वो बड़ा बड़ा होल्स का है और जो अंदर वाला है वो छोटा है, उसके पीछे वाला फिर बड़ा वाला है, ताकि जब मॉस्किटो को हम हिट करें तो मॉस्किटो इसके अंदर घुस जाएगा इस बड़े वाले होल से और वो छोटे वाले होल को जाकर टच करेगा। जैसे ही टच करेगा क्या करेगा, उसको वो दोनों प्लेट को टच करेगा, दोनों प्लेट को टच करेगा तो उसको शॉक लगेगा, हाई वोल्टेज का शॉक लगेगा। हाँ, एक बार और चीज, ये मॉस्किटो रैकेट क्या करता है, हाई वोल्टेज जनरेट करता है। इसका मेन काम है हाई वोल्टेज जनरेट करना, ये हाई वोल्टेज के थ्रू ही किल करता है, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या कैसे इसको काम करते हैं। इस मॉस्किटो रैकेट में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में देखेंगे तो ये एक प्लग दिया हुआ है, ये चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, इससे हम चार्जिंग करते हैं उसको। मॉस्किटो रैकेट के अंदर जो बैटरी है उसको चार्ज किया जाता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, जब चार्जिंग करेंगे तो यहाँ पे एक चार्जिंग का इंडिकेशन आता है, एक LED होती है ग्रीन रंग की, वो आपकी ग्लो करती रहेगी, वो बताएगी कि मॉस्किटो रैकेट चार्ज हो रहा है नहीं चार्ज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप एक ये बटन देखेंगे, ये बटन दिया हुआ है, ये जस्ट पुश बटन है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो ही मॉस्किटो रैकेट में यहाँ हाई वोल्टेज जनरेट होगा, अदरवाइज जनरेट नहीं होगा। उसको जनरेट करने के लिए यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना होता है, इस ऑन ऑफ स्विच को ऑन पोजीशन पे डालना होता है। ऑन पोजीशन पे डालने के बाद में जब आप ये बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे एक रेड रंग की लाइट जलेगी। रेड लाइट मीन्स इट इज शोइंग द हाई वोल्टेज इज टर्निंग ऑन। सो हाई वोल्टेज जैसे ही टर्न ऑन हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हाई वोल्टेज आ जाएगा। आप जैसे ही आप मॉस्किटो को हिट करेंगे, मॉस्किटो इसके अंदर जाएगा तो इन दोनों प्लेट को टच करेगा तो उसको हाई वोल्टेज का शॉक लगेगा। तो चलिए मैं एक बार बता देता हूँ क्या होता है। ये हमारा एक मॉस्किटो रैकेट है, ऐसे करके ऐसे मॉस्किटो रैकेट होता है हमारे पास में। तो यहाँ पे होता है चार्जिंग के लिए पिन दिया होता है, चार्जिंग पिन, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच होता है और यहाँ पे एक पुश बटन होता है। पुश बटन जो कि हम मॉस्किटो हाई वोल्टेज को ऑन करने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे LED होती है, इंडिकेशन LED। ओके, और अंदर जो होता है एक छोटा सा स्मॉल बैटरी बैकअप होता है, बैटरी पैक होता है। तो वो क्या बैटरी पैक क्या करता है, इसके अंदर एक इंटरनल सोर्स के लिए काम करते हैं, ताकि अगर मॉस्किटो रैकेट को हम मूवेबल करना है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ये एक बैटरी होती है अंदर, तो इसको हम बोलेंगे बैटरी। जनरली ये बैटरी 6 वोल्ट से लेकर के 9 वोल्ट DC की होती है। ओके, तो मॉस्किटो रैकेट में अगर हम देखेंगे तो एक लेयर इंटरनल लेयर होती है, इसको मैं बोलूंगा इंटरनल लेयर। ये इंटरनल लेयर हो गई,
और उसके बाद एक एक्सटर्नल लेयर होती है, एक्सटर्नल एक वन साइड एंड अदर साइड। तो एक्सटर्नल लेयर जो होती है वो थोड़ी सी थिकनेस थिक होती है ताकि मेरा मॉस्किटो अंदर जा सके उसके। ऐसी सेम लेयर दूसरी साइड में होगी, तो ब्लू वाली हो गई एक्सटर्नल लेयर, एक्सटर्नल प्लेट, और रेड वाला जो हो गया वो इंटरनल प्लेट। ओके, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में हाई वोल्टेज होता है। कितना हाई वोल्टेज होता है? वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होता है, अप्रोक्सीमेटली 2000 वोल्ट के आसपास, 2000 वोल्ट डीसी। इतना वोल्ट डीसी होता है। हमारे घर में कितना आता है? हमारे घर में आता है 230 वोल्ट। यहां देखिए 230 वोल्ट है, यहां पे 2000 वोल्ट है। तो 2000 वोल्ट इज वेरी वेरी डेंजरस। उसको अगर हमने टच किया तो हमें भी शॉक लगेगा, हमें भी हम भी मर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत डेंजरस है। इसलिए छोटे बच्चों के हाथों में कभी भी मॉस्किटो रैकेट नहीं देना है, या फिर हमें इस्तेमाल करना है तो हमें केयरफुली इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये 2000 वोल्ट का डीसी हो गया, अप्रोक्सीमेटली 2000 होता है। इसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 1500 वोल्ट से लेकर के 2000 के आसपास रहता है। ओके, बट मिनिमम जनरली इतना रहेगा, 1500 तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, और मैक्सिमम 2000 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया और इसका प्रिंसिपल हो गया। अभी देखिए क्या होता है कि जैसे हम बटन प्रेस करते हैं, ये इसमें चार्जिंग के लिए सर्किट होता है, ये चार्ज करता है, चार्ज करके बैटरी को चार्ज करता है। जब बैटरी चार्ज हो जाता है 6 फुल वोल्ट पे चार्ज हो जाएगा, जैसे हम बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक हाई वोल्टेज जनरेट होकर यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको एक बार छोटा सा बता देता हूँ, मोर डिस्क्रिप्शन के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें आपको बताऊंगा मैं सर्किट डायग्राम के साथ में कैसे फंक्शन करता है, क्या होता है इसके इंटरनल सर्किट डायग्राम में। तो चलिए मैं इसको देखते हैं। सिंपली मैं यहां पे आपको एक बता देता हूं डेमोंस्ट्रेशन पर्पस के लिए, कि यहां पे इसमें एक बैटरी होती है, ये बैटरी हो गई प्लस माइनस 6 वोल्ट डीसी टू 9 वोल्ट डीसी। ओके, इससे हमारा क्या कहते हैं, एक एसएमपीएस होता है और फ्लाई बैक ट्रांसफॉर्मर होता है, फ्लाई बैक ट्रांसफॉर्मर, टीआरएफ में ट्रांसफॉर्मर। इसको सप्लाई जाती है, यहां पे कुछ स्विचिंग सर्किट्स होती है, स्विचिंग सर्किट्स इसको सप्लाई जाता है, फिर इससे इसको जाता है। ओके, और ये फ्लाई बैक ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, एक हाई वोल्टेज जनरेट करता है, हाई वोल्टेज जो कि 9 वोल्ट से लेकर के हाई वोल्टेज को बनाता है, एचवीडीसी बनाता है, और उसका वोल्टेज रेंज अप्रोक्सीमेटली 1500 से लेकर के 2000 वोल्ट डीसी होता है। ओके, और यहां पे लगा होता है एक कैपेसिटर। ये कैपेसिटर जैसे ही हम बटन प्रेस करके छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये कैपेसिटर 2000 वोल्ट पे चार्ज हो जाता है। अभी इसको डिस्चार्ज करने का जो प्रोसीजर है, वो डिस्चार्ज कौन करेगा, मॉस्किटो डिस्चार्ज करता है। तो इस कैपेसिटर में वेरी हाई एनर्जी स्टोर जाती है। कितनी एनर्जी स्टोर होती है, किसी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर क्या होती है, एनर्जी होती है 1/2 CV² कैपेसिटर की एनर्जी, एनर्जी इनटू कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 CV² मींस इतना वोल्टेज, कितना वोल्टेज है और क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसका, उसके स्क्वायर का इस्तेमाल करके इस फॉर्मूले के हिसाब से उसके हम एनर्जी निकालते हैं। ये एनर्जी हम डायरेक्टली मॉस्किटो को देते हैं, तो ये एनर्जी इतनी यूज होती है कि मॉस्किटो को बर्न कर देती है। तो जलाने के लिए इतनी एनर्जी काफी है किसी मॉस्किटो को बर्न करने के लिए, इवन आवर स्किन्स को भी वो बर्न कर देगा। अगर हमारे स्किन्स पर अगर लग गया तो हमारी स्किन को भी बर्न कर देगा, हमको हाई वोल्टेज का शॉक भी लगेगा। तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। अभी ये कैपेसिटर चार्ज होके कैसे डिस्चार्ज होता है, ये मेश जो हमारा मॉस्किटो का मेश है, उसका एक प्लेट में अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये अगर मॉस्किटो रैकेट का नेट है, तो जो रेड नेट है वो एक रेड पे चला जाएगा, और जो मैं ऐसे दिखाने के लिए ब्लू वाला दिखा रहा हूं, ब्लू वाला सर्किट जो आउटपुट है वो ब्लू पे, एक ब्लू पे कनेक्ट हो जाएगा और एक रेड पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये मेश बना हुआ है ब्लू का, पूरा ब्लू का मैश बना हुआ है और पूरा रेड का मैश बना हुआ है। ओके, तो जैसे ही मॉस्किटो आता है और इस मैश के अंदर घुसता है तो क्या होता है, मान लीजिए एक प्लेट ये वाली प्लेट है
और एक रेड प्लेट है, जैसे मैंने बताया अभी इन दोनों प्लेट के अंदर ही कितना वोल्टेज है, 1500 से लेकर के 2000 वोल्ट डीसी है। तो जब मॉस्किटो आता है, मॉस्किटो अगर यहाँ पे आता है इससे करके और वो उड़ करके आता है और यहाँ हम हीट करते हैं, तो हीट करने पे क्या होता है, जनरली वो डायरेक्टली घुस जाते हैं, तो उसके जो पंख है वो एक यहाँ टच कर जाते हैं, एक यहाँ टच कर जाते हैं, पंख लैग कुछ भी कोई भी पोर्शन अगर इन दोनों प्लेट के बीच में अगर आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे हाई वोल्टेज है तो यहाँ पे क्या एक करंट फ्लो हो जाएगी इस मॉस्किटो के थ्रू, थ्रू मॉस्किटो की बॉडी के थ्रू एक करंट फ्लो होगी, जो करंट क्या होगी, बहुत ह्यूज करंट होगी, बिकॉज कैपेसिटर सडन डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत मिली सेकंड के अंदर में डिस्चार्ज हो रहा है इस पास से, तो क्या होगा यहां पे करंट क्या होगी, करंट की वैल्यू फटाक से शूट अप हो जाएगी पर्टिकुलर दैट टाइम के लिए, तो करंट क्या होगी बहुत कम सेकंड के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं ये देखूंगा करंट का वेवफॉर्म, अगर मैं ये देखूंगा ऐसे करके, तो ये अगर ये टाइम पीरियड है, टाइम अगर मिली सेकेंड में है, मिली सेकेंड में, तो क्या होगा, मान लीजिए मेरी करंट स्टार्टिंग में जीरो है, लेकिन जैसे ही मॉस्किटो इसके बीच में आता है तो करंट क्या होगी, फटाक से शूट अप होगी, इससे करके शूट होगी और जीरो हो जाएगी, ये करंट हो गई। ओके, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो इस पीरियड में क्योंकि करंट बहुत ज्यादा है, बहुत ह्यूज करंट है, तो क्या होगा, हमको स्पार्क दिखाई देता है। मैं आपको दिखाता हूं एक एक्सपेरिमेंट करके कि कैसे मॉस्किटो जब अंदर जाता है तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो इस तरह से स्पार्क प्रोड्यूस होता है और वो मॉस्किटो मर जाता है, जल जाता है। तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं कैसे वो स्पार्क प्रोड्यूस होता है। अभी हम इसके साथ समझ लेते हैं क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो एक्चुअली इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझने के लिए क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि ये क्या है कि हमारा नॉर्मल मॉस्किटो जो हम लोग रिपेलेंट यूज करते हैं उसमें क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है, मींस कोई केमिकल यूज करते हैं, केमिकल एयर में फैल जाते हैं, उससे मॉस्किटो भाग जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, बट वो केमिकल हमारे हेल्थ के लिए भी हानिकारक है, या फिर हम कोई भी कॉइल जला रहे हैं उसका जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसका भी जो केमिकल धुआं निकल रहा है वो भी हमारे लिए हानिकारक है। तो ये इसकी उसकी अपेक्षा ये क्या है, ये फायदेमंद, इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, ये क्या है, कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, ये क्या करता है, मॉस्किटो को जस्ट हिट करेगा, बंद कर देगा वहीं पे, ठीक है, तो बंद कर देगा, तो उससे कोई उतना पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा, उसके कंपैरिजन में उतना पॉल्यूशन नहीं होगा, और तो ये इसका फायदा हो गया, यही इसका एक मेन एडवांटेज है, तो इससे पॉल्यूशन नहीं होगा, हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें हाई वोल्टेज जनरेट होता है, अगर हमने टच कर दिया तो हमको शॉक लगेगा, तो कहीं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के एक तरफ फायदे होते हैं तो एक तरफ नुकसान होता है, तो एक तरफ इसका फायदा है तो एक तरफ नुकसान है, अगर नुकसान को हम अवॉइड कर सकते हैं बस हमको सेफ्टी प्रिकॉशन लेना होगा, तो सेफ्टी प्रिकॉशन को अवॉइड अगर सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो करें तो हम इसके फायदे को ही देख सकते हैं, नुकसान इसका फिर कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन उस केस में क्या है, उस केस में दोनों नुकसान ही है, वो मॉस्किटो को मार भी रहा है, सम टाइम नहीं भी मार रहा है, बिकॉज उससे मॉस्किटो आते भी रहते, नहीं भी आते, जब उसके प्रति वो उनकी रोशनी झलक बढ़ जाती है तो क्या होती है कि वो मॉस्किटो उसी के उस पर जीवित हो जाते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या होता है कि वो आते ही रहते हैं उसके, चाहे उसको आप लगाइए चाहे मत लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसका ये तो ये इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो चलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं कैसे मॉस्किटो रैकेट स्पार्क प्रोड्यूस करता है, हाई वोल्टेज स्पार्क प्रोड्यूस करता है। तो स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए जस्ट हम इस बटन को प्रेस करते हैं, इसको स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद में जैसे ही ये बटन को प्रेस करेंगे, देखिए यहां पे एक लाइट है वो ग्लो हो जाएगी। ये एक्चुअली मैंने जस्ट इसको हवा में टांगने के लिए बांध रखा हुआ ताकि बच्चे इसको ना ले सके, मैं ऊपर टांगने के लिए इसके ये धागा बांध रखा है। अभी जैसे मैं इसको चार्ज करूंगा, देखिए ये यहाँ पे लाइट आ गया, चार्ज हो गया। अभी क्या है, अभी जैसे ही मैं इसको देखिए यहाँ पे टच करूंगा, आपको केयरफुली करना है अदरवाइज आपको शॉक लगेगा। तो जैसे ही मैं इसको डिस्चार्ज करूंगा, देखिए ये आपको एक शॉक आया, ये एक्चुअली जैसे ही मॉस्किटो इसके अंदर जाता है, दोनों प्लेट को टच करता है, तो उसको एक शॉक लगता है। तो देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूं, मैं लाइट बंद करके दिखाता हूं, ये देखिए दिख रहा है आपको, तो इस तरह से ये हाई वोल्टेज का शॉक प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही इसको हम टच करेंगे, एक स्क्रू ड्राइवर से हमको टच करना है जो कि सिर्फ टॉप पोर्शन में मेटल हो, इधर पूरा इंसुलेटर होना चाहिए, नहीं तो हमको शॉक लग जाएगा हाई वोल्टेज का। तो ये देखिए,
तो इस तरह से हमको शॉक मॉस्किटो को शॉक लगता है और मॉस्किटो बर्न हो जाता है वहीं पे, ठीक है। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और प्लीज लाइक शेयर करिए। मैं इसके दूसरे वीडियो में बताऊंगा कैसे इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम होता है, कुछ प्रॉब्लम हो गया मॉस्किटो रिपेयर में तो उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सिंपल सर्किट है, कोई भी रिपेयर कर सकता है बिकॉज बहुत छोटा छोटा कंपोनेंट लगा हुआ है इसके अंदर, कोई ज्यादा कंपोनेंट ज्यादा बड़ा डिजाइन नहीं है और मैं बताऊंगा तो आप लोग उसको समझ जाएंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और इस वीडियो के बाद जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैं उसको भी देखने के लिए आप प्लीज कोशिश करिए। मैं इसी जस्ट बाद इसको लोड करूंगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।